बनूंगा तो सबसे पहले शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा और लोगों को शिक्षा से जागरूक करूंगा। और यहाँ जो जल नल की टंकियाँ लगी हैं, हर जगह जो जल नल की टंकियाँ लगी हैं, कहीं टंकी छू रही है, कहीं पानी चल ही नहीं रहा है, आज तक तो पानी किसी को नहीं मिल रहा है, तो मैं चुनाव जीतने के बाद से नली गली की पूरा योजना यहाँ चालू करवाऊंगा और यहाँ लोगों के प्रति जितनी निष्ठापूर्वक काम करना मैं निष्ठापूर्वक करूंगा। लेकिन मेरा वादा है कि वहाँ सब लोग बैठेंगे, वीडियो साहब सीओ साहब को भी मिलवाऊंगा और लोगों की समस्या को हल करवाऊंगा और हमेशा जनता दरबार लगेगा। कार्यकर्ता मुखिया जी को चिंतित करने से फुर्सत नहीं है। यहाँ हम लोग यही देखते देखते आज 15 साल बीत भी गए। नमस्कार, आप देख रहे डी टीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव की गूंज जारी है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और चौथे चरण के लिए प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपने पंचायत के लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। इसी बीच मुखिया प्रत्याशी नंदिनी चौबे के पति विनय चौबे से खास बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। पंचायत चुनाव लेकर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में आज हम मधुबनी प्रखंड के खोताहवा पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं विनय चौबे, और उनसे हम जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर वो पंचायत चुनाव का आगाज किए हुए हैं। आप किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं? हम सड़क सुरक्षा शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य विभाग के प्रति यहाँ जागरूक लोगों को कर रहे हैं और उसी के खिलाफ यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इसी के लिए मैं यहाँ आज भावी मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खोताहवा पंचायत में खड़ा हुआ और मैं शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क ये तीनों की मैं यहाँ सही कराऊंगा, मरम्मत कराऊंगा। आप कितना अपने जीत के प्रति दावेदारी कर रहे हैं? 100 में 100% जीत के प्रति दावेदारी है। लोगों से जागरूक है, लोगों से पूछ लीजिए, सुविधाएं मौजूद हैं लेकिन लोगों को मिल नहीं पाता है। तो मैं चाहूँगा कि नगर पंचायत का दर्जा यहाँ खोताहवा पंचायत के लोगों को दिलवाया जाए और शिक्षा का जो भी यहाँ समस्या है तो शिक्षा मैं चाहूँगा कि अगर जनप्रतिनिधि बनूंगा तो सबसे पहले शिक्षा पर विशेष ध्यान दूंगा और लोगों को शिक्षा से जागरूक करूंगा। और यहाँ जो जल नल की टंकियाँ लगी हैं, हर जगह जो जल नल की टंकियाँ लगी हैं, कहीं टंकी छू रही है, कहीं पानी चल ही नहीं रहा है, आज तक शुद्ध पानी किसी को नहीं मिला है, मैं उसको मरम्मत कराऊंगा और लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराऊंगा। और मेरा एक चीज़ और है भैया कि यहाँ नली गली जो भी है, नली गली का काम अभी सारा अधूरा है, कहीं काम नहीं हुआ है। तो मैं चुनाव जीतने के बाद से नली गली की पूरा योजना यहाँ चालू करवाऊंगा और यहाँ लोगों के प्रति जितनी निष्ठापूर्वक काम करना हो मैं निष्ठापूर्वक करूँगा। और इस पंचायत में शमशेरवा गांव में 50 लाख के लागत से यहाँ पंचायत भवन है। आज तक मेरे ख्याल से किसी ग्रामीण को उस पंचायत भवन में जाके आज तक बैठा नहीं हुआ होगा और ना कोई जनप्रतिनिधि आके वहाँ बैठता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने टाइम से 10 से 2 बजे तक मैं उस पंचायत भवन में रहूंगा और लोगों की समस्या सुनूंगा और लोगों की समस्या को निस्तारण कराऊंगा, मैं ये वादा करता हूं। और यहां वहां पंचायत भवन पे न सरपंच बैठते हैं न मुखिया जी बैठते, कोई नहीं बैठता था, लेकिन मेरा वादा है कि वहां सब लोग बैठेंगे, वीडियो साहब सीओ साहब को भी बुलवाऊंगा और लोगों की समस्या को हल करवाऊंगा और हमेशा जनता दरबार लगेगा और वहाँ लोगों की समस्या सुनी जाएगी इस खोताहवा पंचायत। आप एक युवा हैं, युवाओं से इस पंचायत के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं तो युवाओं के लिए तो हर तरफ से जागरूक रहेंगे और यहाँ युवाओं के लिए नरेगा मनरेगा इत्यादि कामें चलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी युवा को यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है और न रोजगार करता है। मुखिया जी को ठीके करने से फुर्सत नहीं है। यहाँ हम लोग यही देखते देखते आज 15 साल बीत भी गए हैं, लोगों को देखते देखते, लेकिन युवा को रोजगार नहीं मिलता है। मैं जो भी काम आएगा हर वार्ड में युवाओं से ही कराया जाएगा और युवा को ही सारी सुविधा मुहैया कराया जाएगा और युवा को ही दिया जाएगा। ये जितनी भी कामें आएंगी, खड़ंजा आए, आरसीसी आए,
नली गली का काम होता है सारे युवा करेंगे और कोई भी युवा बेरोजगार इस पंचायत में नहीं रहेगा। और बुजुर्ग के लिए भी है, यहाँ अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनका ना आज तक वृद्धा पेंशन हुआ है, जो महिलाएं विधवा हैं ना विधवा पेंशन उनका मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या एक भी ये है कि हमारे गांव में और इस पंचायत में, हर पंचायत की मैं इस बात बता रहा हूँ, इस खोतावा पंचायत के राशन कार्ड की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा जो जैसा होगा जिस लायक होगा, अगर गरीब है तो उसको राशन कार्ड भी मुहैया कराया जाएगा और उसको रोजगार भी दिया जाएगा, और अगर वृद्ध हो गया है 60 वर्ष से ऊपर है तो उसको वृद्धा पेंशन, और जो विधवा महिला विधवा है उनको विधवा पेंशन दिलवाने का काम किया जाएगा। इसलिए आज मैं आप लोग के बीच भावी मुखिया के रूप में खड़ा हूँ और इस पंचायत को चाह रहा हूँ कि विकास हो, विनाश न हो, और विकास के रूप में देखना चाहता हूँ कि इस को कम से कम एक स्मार्ट सिटी में बनाऊं इस पंचायत को। आप अपने पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस पंचायत के लोगों से अपील करूंगा कि मेरी पत्नी नंदिनी चौबे भावी मुखिया प्रत्याशी है कुतावा पंचायत की, मैं लोगों से अपील करूंगा अधिक से अधिक मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और इस पंचायत को उच्च कोटि का स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प मैं लिया हूँ उसमें भागीदारी भी बने और लोगों का सहयोग और आशीर्वाद लोगों का मिलता रहे हमको। क्या लगता है आपकी बात? देखिए, हम लोग युवा हैं, युवा प्रत्याशी को हम जिताना चाहते हैं खोतावा पंचायत से, हैं कि हम लोग का जो रोजगार है धंधा है वो प्रत्याशी हम लोग का साथ देंगे, अच्छा काम करेंगे।